गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फोर्थ. दिस इज द चैप्टर नंबर 6, मोर अबाउट नंबर्स. इवन नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं कंप्लीटली, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं. ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ऑड नंबर इफ इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2. जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं. नेक्स्ट है प्राइम नंबर. अ नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर. प्राइम नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं. जैसे 2 हो गया, 1 से डिविजिबल होगा और 2 खुद से डिविजिबल होगा. जैसे 5 हो गया, 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं. अब देखते हैं कंपोजिट नंबर. विच इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 जो होता है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है. 1 जो होता है ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है. और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जो 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो. चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6 से. एज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर. जो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, उसे इवन नंबर कहते हैं. जो डिविजिबल नहीं होता है, नॉट डिविजिबल, उसको हम ऑड नंबर्स कहते हैं. अभी मैंने बताया द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है. इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, तो 2 पहले सबसे खुद से ही डिविजिबल होगा, तो वो नंबर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर. स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है 1. 1 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 2 से डिविजिबल नहीं होता है. जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उन नंबर को हम क्या कहते हैं? उन नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं. 1 क्या होता है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 ना तो कंपोजिट और नंबर होता है ना प्राइम नंबर होता है. सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4. बाकी इसके पहले जो नंबर्स, 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, 2 जो होता है वो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है और ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट क्या है? इज ओनली इवन. 2 है जो कि इवन प्राइम नंबर है. ये प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, यानी इवन प्राइम नंबर है. इवन नंबर्स को इनसर्किल करना है आपको. इसमें कौन कौन से नंबर? इवन नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल होंगे. पहला तो 12 हो गया, 16 होगा, इसको सर्कल करना है. 18 है इवन नंबर, 24 भी है, 41 नहीं है, 62 है. अब इसमें देखिए ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे. 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 21 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 29 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 51 भी डिविजिबल नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. राइट डाउन ऑल इवन नंबर्स बिटवीन. इसके और इसके नंबर के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं सबके सब लिखने हैं आपको. 46 के बाद क्या आता है? 48 है जो 2 से डिवाइड होगा. 48 के बाद 50 आएगा, 52 आएगा, फिर 54 आएगा जो 2 से डिवाइड होगा, 56 आएगा, 58 आएगा, इसके बाद 60 आएगा. लेकिन हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में 60 नहीं लिखना है हमें और ना ही 46 लिखना है. अब देखिए 12 और 13 के बीच में हमें क्या लिखना है? इवन नंबर्स लिखने हैं. तो 12 के बाद क्या आता है? 14 आता है. 14 के बाद 16, इवन नंबर्स केवल लिखने हैं. 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद आता है 22,
22 के बाद 24, 26 और 28। अब देखिए, राइट डाउन ऑल द ऑड्स नंबर बिटवीन 23 और 45 के बीच के सारे नंबर्स जो हैं, ऑड नंबर्स हैं, उनको लिखना है। 23 के बाद आएगा 20, 25, 27, 31, 29 भी आएगा, 27 बट 29, 2-2 के गैप पर आएगा 29, 31, 33, 35, 37, इस तरीके से 37 के बाद 39, 40, 41, 43, ये सारे नंबर्स होंगे। बाकी के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। व्हाट आर द टू इवन नंबर्स कम जस्ट बिफोर, इवन नंबर्स बताने हैं जो इसके पहले आएंगे, जो जस्ट इसके पहले आएंगे, यानी 340। पहला होगा 44, उसके बाद 342, ये दो नंबर्स आएंगे। सबसे पहला नंबर आएगा 344, 342, तो ये दो नंबर्स हैं जो कि इसके पहले आएंगे। इसी तरीके से पूछ रहा है व्हाट आर द टू ऑड नंबर्स कम जस्ट बिफोर 902, 902 के पहले 901 आएगा, और क्या आएगा, 899, ये टू नंबर्स इसके पहले आएंगे। एनसर्कल द प्राइम नंबर्स 11, इसमें प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो, यानी 11 है, 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा और किसी नंबर से नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर हमें यहाँ क्या करना है, प्राइम नंबर को ही, इसमें प्राइम नंबर को हमें क्या करना है, इनसर्किल करना है। तो कंपोजिट नंबर नीचे वाला है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 11 है, 13 है, 15 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 1 से डिविजिबल होगा, 15 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। 17 जो है वो प्राइम नंबर है, 19 क्या है, प्राइम नंबर है, 23 क्या है, प्राइम नंबर है, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। अब इसमें कंपोजिट नंबर्स बताने हैं, तो कंपोजिट नंबर्स आपने जैसे 15, 24, 27 देखा, तो 1 क्या है, प्राइम नंबर है, 13 क्या है, प्राइम नंबर है, 53 क्या होगा हमारा, 53 हमारा प्राइम नंबर ही होगा, 88 हमारा कंपोजिट नंबर होगा, और 99 जो होगा हमारा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। यानी सारे प्राइम नंबर्स को लिखना है जो 40 से कम हो, यानी 40 से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिख लीजिएगा, खुद से लिखिए। राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 90, 80 और 90 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो 83 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसी तरीके से 89 जो है वो भी प्राइम नंबर है, यही दो नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। राइट डाउन ऑल द कंपोजिट नंबर्स, इसके और इसके बीच सारे कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं, इसके इसके बीच कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं, बिल्कुल गलत है। टू भी एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है, यानी ये क्या है, फॉल्स है। वन इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वन क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वन ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था अगर आपको याद हो। वन इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, बिल्कुल सही है, वन क्या होता है, ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट, यानी ये ट्रू है। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल यहाँ मैंने बताया कि प्राइम नंबर सारे ऑड नंबर्स नहीं होते, एक नंबर टू जो है वो कि इवन प्राइम नंबर होता है।
इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।